वीमेन प्रीमियर लीग में चंडीगढ़ की काशवी गौतम सुर्खियों में आ गई है। जी हाँ, सुर्खियां भी क्यों ना हो, आखिर पहले ये क्रिकेटर भी सुर्खियां में आई थी जब 10 विकेट लिए थे बीसीसीआई के टूर्नामेंट में, और अब आई हैं वीमेन प्रीमियर लीग में 2 करोड़ की प्राइस के साथ। जी हाँ, 2 करोड़। भारतीय महिला क्रिकेटर और वीमेन प्रीमियर लीग की सबसे बड़ी जो बोली लगी है वो लगी है काशवी गौतम पर। चंडीगढ़ से खेलती हैं, हम उनके घर पे मौजूद हैं और उनके परिवार से बात करेंगे। हमारे साथ उनके माता पिता, उनके कोच मौजूद हैं। और पहले बहुत बहुत मुबारकबाद सुदेश जी आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू। और सीमा जी आपको भी। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, कोच साहब आपको तो खैर सबसे पहले थैंक यू जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो सुदेश जी आपसे जानना चाहूंगा, खड़े हो जाते हैं और क्योंकि बधाइयों का इनको फोन कॉल्स लगातार आ रहे हैं। सुदेश जी, जब वो दिन याद आता है जब काशवी, आप चंडीगढ़ रहते थे और काशवी की दादी ने कहा था कि इसको क्रिकेट खिलाना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरी मदर ने उसको कहा है कि इसको क्रिकेट खिलाना है, इसको क्रिकेट का शौक है। तो इसको क्रिकेट के लिए मैंने स्टार्टिंग में मैंने सिर्फ मैं एक मंथ मैंने प्रैक्टिस कराई हुई। उसके बाद मुझे संजय दूल जी मिले वहां पे 37 में, उन्होंने रेफरेंस दिया नगेश सर का। फिर मैं एकेडमी 32 की एकेडमी इनके पास लेके गया, तब से बस वो एकेडमी और इन्होंने फिर इसको मेहनत कराई और इन्होंने बनाया। 13 साल की काशवी। बिल्कुल, उस पर जाऊंगा। लेकिन जो अभी जब लीग में नाम आया, बेस प्राइस 10 लाख था, एक होता ना टीम खेलना अलग चीज है, लेकिन इतना जाएगा वो कभी सोचा? मैंने कभी नहीं सोचा था, इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। मुझे ये था कि इसने अच्छा किया सीजन में, किसका नाम तो आएगा। चलो बेस प्राइस 10 लाख है, बिल्कुल मैं तो कह रहा था टीम के लिए खेले, प्राइस का मुझे नहीं था। लेकिन अनएक्सपेक्टेड है कि 2 CR। तो आपने लाइव देखा? बिल्कुल लाइव देखा, बहुत खुशी थी लाइव पे। हाँ बिल्कुल। और फोन कॉल सबसे बज रहे हैं? फोन कॉल तब से आ रहे हैं, रिलेटिव के भी आ रहे हैं, प्रेस रिपोर्टर्स हैं। सबसे बढ़िया उसका आया जिसके लेके पूरी दुनिया की सुर्खियां बनी। बिल्कुल बिल्कुल सर, उसका भी आ गया। क्या कहना काशवी का? काशवी का कहना है कि बहुत खुशी है, मुझे तो पता ही नहीं लगा क्या सही। बाकी वो इस टाइम अंडर 23 मुंबई में है, तो वहाँ पे जो गर्ल्स हैं वहीं पे पार्टी सेलिब्रेट कर रही है। उनकी माता जी भी मुझे, सीमा जी जिस तरह से बताया कि खुशी का माहौल है परिवार में, है ना, और बेटी ने आपकी पूरी दुनिया में नाम रोशन किया है और अब तो और ज्यादा कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मतलब बहुत मेहनती है हमारी बच्ची, तो हम भगवान से यही दुआ करते हैं आगे भी वो ऐसे ही खेलती रहे, नाम रोशन करती रहे। क्या कहा जब काशवी साहब की बात हुई अभी? बस यही कहा कि बेटे आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहना, मेहनत से पीछे नहीं हटना, बाकी सब उस पे छोड़ दो। लेकिन एक चीज जरूर है कि जब आपने 13 साल की उम्र से खेलना शुरू किया, जाती थी, तो एक था के मन में कि हाँ अच्छी क्रिकेटर बने, और होता है ना सभी पेरेंट्स के मन में, ये तो होता ही है। पर थोड़ा सा ये था कि कोचिंग अच्छी नहीं मिल रही थी, तो सर के पास जाने के बाद तो हम बेफिक्र हो गए कि नहीं अब हमारी बच्ची कुछ कर सकती है। तो सर के ऊपर तो है ही है फेथ, उसके ऊपर भी है हमें फेथ। तो जब वापिस आएगी काशवी तो पार्टी तैयारी है? वो तो है ही है, हम मिलके सारे करेंगे। अच्छा। जी, एक सुदेश जी आपसे एक और बात जानना चाहूंगा। देखिए जब हम पहले भी बात हुई थी आपकी, एक होता ना कि काशवी एक अलग तरह की क्रिकेटर, अपने फोकस प्रैक्टिस मैच नहीं देखना, तो क्या लगता है कि आपको कि एक एज ए पेरेंट्स आपने तो चलो कहते ना कि बच्चा जब बड़ा होता है तो चेंजेस क्या लगे आपको काशवी में कि हाँ इसका दिमाग बिल्कुल क्रिकेटिंग है, पूरा फोकस है? ये शुरू से ही अपना स्टार्ट, जब भी क्रिकेट खेलती थी तो अपना एक ही ध्यान रखती है कि एक तो कंसिस्टेंसी और अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर इसको टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कैसे किसको खिलाना है, और ये प्रेशर तो रहता है थोड़ा, लेकिन ये है कि मेहनत पूरा करती है और ये अपना फोकस रखती है उस पर। जैसे बॉलिंग भी कर रही है तो वही अपना फोकस रखेगी, विकेट टू विकेट बॉल करेगी, है सिचुएशन। अच्छा एक सवाल है, मतलब मैं वैसे पूछना चाहता हूँ, बैंक बैलेंस बढ़ गया आपका, टैक्स भी लगेगा, किसके अकाउंट में जाएगा पैसा, आपके आपके? किसी के में जाएगा, तो कोई ऐसा वो नहीं है, बेटी के अकाउंट में रहेगा तो बेटी में, कोई ऐसा कोई नहीं है सर। बहुत बड़ा दिन आपको लगता है कि पूरा? बिल्कुल, ये तो है, दिन तो बहुत बड़ा है। चलिए, उनके कोच का बहुत जरूरी है, नागेश गुप्ता जो उनके कोच हैं। कोच साहब जिस तरह से हम बात करते थे ना कि जब आपके पास आई संजय ढुल ने कहा कि नागेश यार ये देखना, और चंडीगढ़ के क्रिकेटर्स या यूवी हो वीआरवी हो तमाम क्रिकेटर्स ही शहर से निकले हैं, और काशवी में अलग आपको क्या नजर आया था? काशवी में, काशवी थोड़ी नेचुरल टैलेंट थी जी, और हार्डवर्किंग थी और सिंसियर भी थी, मतलब ये कह लो कि लड़कों जैसी खेलती थी, और मैंने उस टाइम तक किसी लड़की को नहीं कोचिंग दी थी, तो ये सबसे पहली लड़की ही मेरे पास आई। कौन से सन की बात बता रहे हैं? 2016 की। 16 की। हाँ जी।
तो आपने जब देखा कि इसमें कुछ डिफरेंट है इस लड़की में, क्योंकि आमतौर पर लड़कियां आती हैं बड़े स्लो सा लगता है कि ठीक है, लेकिन इसमें कुछ अलग था? इसमें अलग था जी, इसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही अलग थी। जब ये मतलब बड़ा कॉन्फिडेंस से आती है, कॉन्फिडेंस से चलती है, कॉन्फिडेंस से खेलती है, वो जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब अलग ही है जी, वो दिखता है कि प्लेयर है कोई। हम सीमा जी से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि काशी ने शुरू में माना नहीं कि मुझे लड़की मत कहा करो, मैं लड़कों की तरह ही रहूंगी दबंग। हाँ जी, हाँ जी, उसको शुरू से ये चिड़ होती थी कि मुझे कोई लड़की ना बोले, इवन कि किसी रिलेटिव्स के जाना या नॉन जो भी होते हैं उनके जाना, तो उसको लगता था मम्मी उठो यहां से, मैंने नहीं बैठना, मैंने नहीं रुकना यहां पे, चलो आप। फिर धीरे धीरे जैसे उसने क्रिकेट ज्वाइन किया, जैसे डिस्ट्रिक्ट में जाना, स्टेट लेवल पे जाना लड़कियों के साथ, तब उसका नेचुरली उसका माइंड थोड़ा सेट हो गया कि नहीं अब मैं हूं यही क्यों, मुझे यही खेलना है, लड़कियों के साथ ही खेलना है ये। तो जब काशी की जो बॉलिंग आपने देखी, आपने उस पर काम करना शुरू किया, क्या आपको नजर आया? एक होता ना कि कोच पहचान लेता है उसमें नेचुरल, जैसे मैंने पहले भी कहा कि नेचुरल टैलेंट था। नेचुरल टैलेंट क्या था कि उसका बॉल अच्छा स्विंग होता था, तो स्विंग के साथ एक्यूरेसी होना बड़ा जरूरी है। तो वो जो एक्यूरेसी थी उस पर काम किया जी, कि उसको और एक्यूरेट कर सकें जिससे कि वो एक अच्छी लाइन पे डाल सके। और तो आप अगर इसकी मोस्टली डिसमिसल्स देखोगे तो बोल्ड LBW होती है, क्योंकि अब वो अच्छी लाइन से इसका इन स्विंग होता है। तो यही हमारा मेन फोकस रहा, और आने वाले सालों में फिर अब इसकी बैटिंग पे काम किया, जो अब बड़ी निखर के आ रही है बैटिंग इस सीजन में। तो होपफुली ये इंडिया के लिए एक अच्छे ऑलराउंडर के दौर में साबित होगी आने वाले दिनों में। क्योंकि देखिए क्रिकेट लीग की बात करें, चाहे IPL हो या वुमेन प्रीमियर लीग हो, ऑलराउंडर्स पे बहुत फोकस रहता है। तो इस तरह का आप इतनी बड़ी लगाकर 2 करोड़ में गुजरात जायंट्स ने खरीदा, तो कहीं ना कहीं स्टैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ना, टीमें देखती हैं। क्या लगा आपको कि काश्मीर में ऐसा क्या उनको दिखाई दिया? गुजरात जायंट्स ने एक्चुअली पहले सीजन में इतना अच्छा नहीं किया था, तो कुछ प्लेयर भी उन्होंने रिलीज किए जो अच्छे प्लेयर थे, तो काशवी का सीजन अच्छा गया है। तो और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं ये, हमेशा ही T20 क्रिकेट में डिमांड में रहेंगे, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं। और काशवी इस टाइम अपनी पीक पे कह लो, ऑलमोस्ट पीक पे ही है, तो वो उन्होंने देखा जी गुजरात जायंट्स वालों ने। काशवी का टर्निंग पॉइंट अगर बात करें, जब उस समय एक बार और चर्चा में आई इंडिया में कि एक लड़की ने 10 विकेट लिए अरुणाचल के अगेंस्ट 2020 में U19 में, तो वो आपको लगता है एक टर्निंग पॉइंट था करियर का? बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था जी, 10 विकेटें लेना भी आज की तरह एक ड्रीम जैसा ही है, जैसे अभी WPL में सिलेक्शन हुई है, तो वो भी एक ड्रीम थी, ये भी एक ड्रीम है। तो वहां से इसको जो T20 चैलेंज होती थी पहले ट्रॉफी, उसमें खेलने का मौका मिला अच्छे अच्छे प्लेयरों के साथ, ये स्मृति मंदना की टीम में थी, तो वहां से इसने बड़ा कुछ सीखा, तो वो भी एक तरह से लाइफ चेंजिंग ही था इसके लिए। और कहते हैं ना कि इंडियन टीम में आना सभी का सपना है, विमेन WPL में आया एक अलग सुर्खियां, लेकिन इंडियन टीम में आना एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है। बिल्कुल जी बिल्कुल, इंडियन टीम में आना किसी भी प्लेयर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आजकल जो मैं प्लेयर देख रहा हूं कि वो अब इस WPL के थ्रू इंडियन टीम में आना एक और आसान चीज हो गई है। लास्ट ईयर आप देखें तो श्रेयंका पाटिल, कनिका आहूजा यहीं से WPL से इंडियन टीम में। बस जल्दी लग रहा है कि नेक्स्ट हम इंटरव्यू उस पे करेंगे। बिल्कुल करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। सुरेश जी बिल्कुल, हम जो बात कर रहे थे कि सीनियर टीम एक ड्रीम है काशवी का खुद और सभी का ड्रीम होता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक इंडिया टीम में आना एक बहुत बड़ा ड्रीम है और ये जल्दी पूरा होगा। बिल्कुल जी, आप तैयारी हैं फिर नेक्स्ट उसकी? यस तो बिल्कुल। और ये काशवी के छोटी सिस्टर। अच्छा, आपने ट्राई नहीं किया? नहीं, मेरा आज सच क्रिकेट में इतना इंटरेस्ट नहीं है इसलिए, बट अच्छा। मैंने मतलब उसके साथ खेला है गली क्रिकेट वगैरह। अच्छा। हाँ जी, तो अब कैसा लग रहा है जब टीवी पे देखते हो अपनी सिस्टर को? बहुत अच्छा लगता है, और जब मेरे दोस्त और सब जो मेरे आसपास है जो मुझे जानते हैं और जब मुझे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो एक बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है मेरे अंदर भी, तो इंडीड बहुत अच्छी फीलिंग है। अब जब जाते हो से मेरी सिस्टर काशी है? श्योर। हाँ जी, हाँ जी, वो फील आता है? हाँ जी आता है। चलो बढ़िया, पार्टी लोगे सभी मिलके ना? श्योर। अच्छा, एक जल्दी से सवाल खत्म लूंगा कि अब होता है कि आपने कहा WPL एक प्लेटफॉर्म बन गया है कि आप क्रिकेटर वहीं से जाते हैं, चाहे IPL भी हो, काशवी को लेके आपको लगता है कि इंडियन टीम में काशवी की जो स्पॉट है या उसकी इम्पोर्टेंस है वो किस तरह से आप देखते हैं? इंडियन टीम में हमेशा ऑलराउंडर्स की रहेगी जी जरूरत, तो काशवी जैसे हार्ड हिटिंग बैटर भी है साथ में, अच्छी बॉलर होने के साथ साथ, तो टीम को लोअर ऑर्डर जैसे पावर हिटर की जरूरत है इस टाइम इंडियन टीम को, तो ये बड़ा अच्छा यूटिलिटी क्रिकेटर बन सकती है इंडिया के लिए। अच्छा, कोच का काम होता है ना मोटिवेट करना, उस पर करना, डांट भी कोच कई बार गुस्से में लगा देते हो आप, कुछ ऐसा भी हुआ होगा? लगाई है जी डांट, तो लगाई है कई बार, तो मेरे से वैसे ही बहुत डरते हैं ये, क्योंकि इज्जत करते हैं जी, रिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर जहां प्लेयर रिस्पेक्ट करता है वहां डर भी होता है। कोई ऐसा इंसिडेंट शेयर करना चाहिए?
गेम के ऊपर ही लगाई है जी, एक दो बार डांट नहीं कुछ ठीक किया, बाकी तो सारा कुछ डिसिप्लिन वगैरह तो ठीक ही है। अच्छा। तो गेम एक आधी बार गलत शॉट मार के आउट हुई या बॉल कोई ठीक नहीं डाला तो डांट लगाई है जी। तो रिग्रेट फील होता है कि हाँ सर आप बोला था बट मैंने खेल दिया। हाँ रिग्रेट तो फील होता ही है जी, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है जी वो अच्छा करना चाहता है, वो जानबूझ के तो करता नहीं, हम भी समझते हैं, पर वो इन द हीट ऑफ मोमेंट हमसे भी बोला जाता है, हमें भी होता है कि और थोड़ा ठीक से समझाना चाहिए था उस टाइम। अच्छा बचपन की थोड़ा सा यादें मैं फिर से आऊंगा कि आपने कहा लड़कों के साथ जैसे शेफाली है, तो जब लड़कों के साथ भी प्रैक्टिस करना पड़ता था तो वो कैसा रहता था कि लोग कहते हैं ये लड़की है लड़का है? मतलब इतना तो नहीं, ये शुरू से ही जैसे लड़कों के साथ ही खेलना, मतलब आसपास के लोगों ने भी कभी ऐसा नहीं बोला कि ऑब्जेक्ट नहीं किया कि नहीं आप लड़कियों के साथ लड़कों के साथ खेल रही है या कुछ है, मतलब हमने शुरू से इसको थोड़ा ये फ्री रखा हुआ था कि नहीं, वो प्रेशर कभी नहीं दिया इसको। हाँ। पर कई बार ऐसे भी मौके आए 36 में आप बता रहे थे ना कि लड़के भी टीज इसको थोड़ा लड़कों ने टीज करा शुरू में कि नहीं खेलने देना, इसकी बैटिंग नहीं आने देनी, बॉलिंग नहीं करानी, तो वहां से फैटअप हो चुकी थी, तब जाके हमें वो संजय सर मिल गए और एकदम से रास्ता मिल गया हमें। तो फिर लड़के सोचते होंगे काशी से पंगा नहीं, अब तो सोचते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये थे काशी गौतम के माता पिता, उनके कोच, और वाकई WPL में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। अब असली ड्रीम है टीम इंडिया में आना, और जल्द ही अगर जिस तरह से मेहनत रही तो काशी का नाम सीनियर टीम में भी देखने को मिलेगा।